यहाँ पे देखो शायद 50% शायद मुझे कौन सा मिलेगा, तो पार्टीज फुल जायगार्ड वर्स, ओ जायगार्ड स्पॉन। अच्छा, अरे भाई फिर मैंने इतनी प्रिपरेशन क्यों की यार, मतलब मैंने अल्ट्रा बॉल वगैरह क्यों बना दिया, डायरेक्ट ही तो डायरेक्ट स्पेंड हो गया भाई पीसी पे। वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आप सबका पिक्सल मॉन के एक और नए वीडियो में। और पिछले एपिसोड में आप सबको याद होगा मैंने कैंटो के तीनों ट्रायो जो कि लेजेंडरी बर्ड्स जो थे मोल्ट्रेस, जेप्टोस और आर्टिकोनो, इन तीनों को मैंने पकड़ लिया था। मतलब इतना भी लोगों को पकड़ने में इतना मज़ा नहीं आया यार, लेकिन जितना मज़ा आज की इस वीडियो में आने वाला है ना यार, सच बोलूँ तो, क्योंकि मैंने एक कम्युनिटी पोल डाला था और उसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि यार नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा पकड़ूँ, जिसमें आप लोगों ने कहा था कि यार मतलब 80% लोगों ने जायगार्ड कहा था और 20% लोगों ने लुगिया कहा था। हाँ मैंने कहा था कि यार मैं लुगिया पकड़ूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बट सॉरी यार लुगिया पकड़ने के लिए ना यार बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसमें, आप लोग को पता नहीं है, या तो फिर मुझे उसमें थोड़ी बहुत चीटिंग करनी पड़ेगी, मतलब क्रिएटिव वगैरह की चीटिंग नहीं, वहाँ पे मुझे जाके जो टाइम सेट है उसको, टाइम सेट को मतलब डेज जो है ना उसको, डेज को मुझे बढ़ाने पड़ेंगे, मतलब कमांड वगैरह डाल के कुछ ना कुछ करके डालने पड़ेंगे, वरना फिर बहुत ज़्यादा देर बाद जाके वो लुगिया स्पॉन होता है और वीडियो बनाने लायक भी नहीं होगा वो, मतलब जब वो स्पॉन होता है तो। मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो, पहले तुम लोग पोकेबॉल में जाओ। हो गया इंट्रो हो गया, अब आ जाओ। और पिछले एपिसोड में आप सभी को याद होगा यार मेरा जो रियोलू लुकारियो का जो अंडे थे यार वो हैच हो गया था, उसमें से एक रियोलू निकल गया था जो कि यार लकीली यार मतलब शाइनी निकला, बट यार मतलब मैंने देखा यार, और मैंने इसका लेवल अप जो है वो कर लिया वीडियो से स्टार्टिंग से पहले, मैंने ये सब कर लिया था, इसके लेवल अप मैंने बढ़ा लिए थे, बस एक कैंडी और देना ये जो है लुकारियो में विकसित हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा वीडियो में ही करूंगा। राजा भाई तेको कर देता हूँ, ले हो जा इवॉल्व हो जा भाई, हो गया लो भाई, कितना मस्त लगता है ये शाइनी। जब ये मेगा में बनेगा, मेरे पास इसका मेगा स्टोन है, मैं मेगा स्टोन एक बार लगा के देखता हूँ कैसा बनता है ये। और आज मैं पकड़ने वाला हूँ जायगार्ड को, शायद बताया बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन यार जायगार्ड पकड़ना भी यार इतना आसान नहीं है यार, उसमें इसकी में कितना मस्त लग रहा है भाई। एक सेकेंड इसकी साइज देखता हूँ, मतलब मैं इसकी मम्मी पापा से इसका कंपेयर करता हूँ। ये इसका पापा है, ये यहाँ पे आ जा, अब देखता हूँ कि भाई बड़ा कौन है भाई, ये एक दिन का ही है, और ये Blue. भाई अपने पापा का भी पापा निकला भाई। इसको एक बार ये देख के देखता हूँ मैं, ले तू पकड़ ले, तू इवॉल्व हो जा। हैं वेट ऐसा क्यों, अच्छा अरे यार इवॉल्व हो जा भाई ये, अरे यार इवॉल्व क्यों नहीं हो रहा यार, ये सो रहा है क्या इसकी वजह से, अभी तो इवॉल्व क्यों नहीं हो रहा बे। अरे अच्छा एक सेकंड, मैं पागल हूँ यार, मैंने डायनामैक्स नहीं यार मैंने वही पेन रखा यार, फिर ये इवॉल्व क्यों नहीं हो रहा। चश्मा एक बार पहन के देखता हूँ, फिर भी नहीं हो रहा, शायद अब हो जाए। अच्छा, मेरा वो जो इस पे था यार मैं भूल गया यार, मैं सोचा वही इसलिए क्यों नहीं हो रहा। अब बन दबाना है जी जी, अभी क्या दबाना था। ओ भाई साहब क्या ही तो लग रहा है यार, एक बार इस पे आ, अब इवॉल्व हो। अरे ते को एक्सपी कैंडी दे दिया मैंने, अब हो जा भाई यार। अरे इधर आना, फेस दिखा अपना, इधर आ, मैं दूर जाता हूँ, ये आएगा भी मेरे पीछे। वो क्या आ गया भाई यार, क्या ही तो लग रहा है भाई, मतलब यार ये इवोल्यूशन में भी शाइनी लग रहा है यार, मतलब मेगा में भी शाइनी लग रहा है, जबकि मैंने देखा यार कुछ कुछ पोकेमोन शायद मेगा होते हैं बट नहीं होते, मुझे इतना आइडिया नहीं है शायद। ओ भाई क्या ही तो लग रहा है यार, हेलो कैसा है। और हाँ मैं आप लोग को एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, मैंने ये जायगार्ड का जो है ये मैंने क्रिएट कर लिया है, ये बहुत आसान होता है, मैंने यहाँ पे देखो ये रीअसेंबल पहले से लिख रखा है, असल में मैं इसकी स्पेलिंग बार बार भूल जा रहा था, स्पेलिंग नहीं भूल रहा था मतलब इसका नाम भूल जा रहा था, तो मैंने ये डाल के रखा है। तो अब मुझे ये मशीन इसका बनाना है जिसमें से जायगार्ड जो है स्पॉन निकलेगा या फिर पहले से होगा पता नहीं। ये तीन डीप स्टोन चाहिए, तो तुम किसी बॉस पोकेमोन को मार के कहीं ना कहीं से तुम्हें मिल जाएगा आराम से। मून स्टोन तो नॉर्मल है, ये भी सब नॉर्मल है, तो मैंने पहले से इसकी थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है, मतलब मेरे को अल्ट्रा डीप स्टोन थोड़ा मिल चुका है, और मुझे चाहिए एमरल्ड, एमरल्ड तो मेरे पास होगा शायद, एक बार देखता हूँ मेरे शेल्कर में, मैंने विलेज लूटा था वहाँ पे था शेल्कर, वो था हाँ ये रहा। ओके ये हो गया, अब मुझे चाहिए ग्लास पेन, ग्लास पेन तो मुझे मिल जाएगा क्योंकि मैं अपना जब बेस बना रहा था तो यहाँ पे मुझे ग्लास पेन मैंने रखा था कहीं पे, तो देखना पड़ेगा मुझे अब ग्लास पेन भी। इसमें तो यार मेरे सब स्टोन वगैरह जो मुझे स्मेल्ट करने यार, बट कैसे करूँ इसको, मेरे को कवर फॉसिल जो है ना इसको मेरे को हैच करना है यार, मतलब फॉसिल मशीन में डाल के। और ये जो है मैंने ये माइनिंग पे जब मैं गया था, मैंने बहुत दिन तक माइनिंग की थी, मतलब सही बोलूँ तो मैंने नहीं की थी, मेरे छोटे भाई ने की थी, उसने उसको मैंने बोल दिया था कि ये
पॉकीबॉल का जो बेस बनाना है तो उसके लिए तू माइनिंग कर, उसने कर दिया था। एक और दो तीन, और मेरे को ये भी मिला था पिछले एपिसोड में, मतलब पिछले एपिसोड में नहीं, जब मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर दी ना तो मेरे को ये विक्ट्री नहीं मिली थी, बट यार कुछ काम की नहीं यार ये, पता नहीं कैसे। और मुझे ये दोनों को इवॉल्व करना है, एक को गेलियो बनाना, और हाँ डिट्टो मिला था यार मेरे को। डिट्टो यार डिट्टो वैसे कैसे काम करता है, एक सेकंड में किसी किसी से लड़ा के देखता हूँ डिट्टो काम कैसे करता है, मुझे यहाँ तक पता है। मैंने कभी डिट्टो का यूज़ नहीं किया गेम। वो रात हो गई, सोना पड़ेगा भाई, सो जाओ। और सुबह उठ के मैं पहले एक बार डिट्टो को चेक, हो भी गई सुबह, एक बार डिट्टो को पहले चेक कर लेता हूँ, फिर उसके बाद चलता हूँ जायगढ़ का जो ये मैंने ना थोड़ा बहुत भर दिया, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये सेल्स जो है ना 89 भर दिया है। अब ये भरता कैसे वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। मतलब है ना आप लोग को ये जंगल एरिया दिख रहा है ना, जंगल एरिया या फिर ये पेड़ पौधे, ये लीफ ब्लॉक और ये वुड के जो प्लैंक्स है ना इसमें, और डट पे शायद ये तीन जगह पे ना इसके जो सेल्स होते हैं ना, वो क्यूब, सॉरी क्यूब, वो है ना स्पॉन होते रहते हैं। मतलब तुमको ना वहाँ पे जब वो स्पॉन हो जाएगा ना, तो वहाँ पे जाके इस पे इसको हैंड पे लेके राइट क्लिक करना है, तो जो है ये एब्जॉर्ब कर लेगा और तुम्हारा जो है पॉइंट बढ़ जाएगा। जो तुम्हें 100 पॉइंट करना है, मतलब 100 सेल जमा करना है तुम्हें, तो मेरा 89 है और मैंने को कोर, हाँ सबसे मेन ये कोर्स है, ये तुम्हें शायद माउंटेन एरिया पे मिल जाएगा। माउंटेन एरिया पे जहाँ तक मुझे मेरे को दो माउंटेन एरिया पे मिला था तो सॉरी, एक मुझे जंगल यहाँ पे इस साइड पे मिला था, इस साइड पे कहीं तो मिला था, यहाँ पे कहीं तो मैं गया था, तो वहाँ पे मुझे दो मिल गए थे। तो इतना मुश्किल भी नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा अगर कहोगे, ओ एक सेकेंड में इससे, हाँ इसको फाइट करा के देखता हूँ ये रूप कैसे बदलता है। ओके ओ ओ अच्छा, पहले में ही आ गया ट्रांसफॉर्म। मारना नहीं बता दे रहा हूँ, 70 लेवल का है भाई। अच्छा मतलब ओ हो गया भाई, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। मेरे को डेन में से मिला था, मेरे को डेन में यार, लेकिन 17 लेवल का पोकेमोन यार, 70 लेवल का पोकेमोन थोड़ा वो है यार, रेयर है। मतलब भाई मैं कितना रेयर हूँ भाई, मतलब रेयर नहीं लकी हूँ भाई इस सर्वर में। तो चलता हूँ मैं, सारी प्रिपरेशन कर लेता हूँ, प्रिपरेशन तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है। खैर मैं हाँ आज मैं लुकारियो से थोड़ा बहुत फाइट करूंगा, बाकी ये सब पोकेमोन तो ठीक ठाक ही है, मुझे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और मैंने थोड़े बहुत पोकेबॉल्स भी ले लिए, ताकि अगर जायगार्ड्स को मारना पड़े, मतलब अगर वो मैच हुआ तो मैं ये पोकेबॉल्स उससे फेंक के ले लूँगा। बाकी ये पोकेबॉल्स आधे मेरे बैग में पड़े हुए, कहाँ गया ये वाले बैग में मेरे पड़े हुए पोकेबॉल, ये कैंपराइट को दे देता हूँ यार। मैं बहुत दिन से लेके घूम रहा हूँ यार, इसको मेरे को देना था, मैं भूल गया था, बहुत दिन से मैं देख रहा था बट मैं दिया नहीं इसको मैंने। ये रहा कैंपराइट, ले भाई तू अपना ये पकड़, मेगा इवोल्यूशन का पकड़, वापिस जा मेरे लुकारियों को बाहर बुला। चलो हो गया ये भी। और हाँ मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ, क्या मैं आर्क सर्वाइवल इवॉल्व जो है वो मैं, मतलब ओ कितना मस्त लग रहा है भाई, मैं मतलब आर्क सर्वाइवल इवॉल्व जो है, मतलब दो तीन बंदों ने मुझे पहले से कमेंट कर रखा था कि यार भाई आर्क सर्वाइवल खेलो, तो यार मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब मैं आर्क सर्वाइवल नॉर्मल खेलूँ ऐसा सर्वाइवल सीरीज जैसे स्टार्ट करूँ, या फिर उसमें भी पोकेमोन मॉड्स डाल के खेलूँ, तो आप लोग का क्या राय है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता देना, मैं उसी आप लोग के हिसाब से खेलूंगा। लेने में मुझे कुछ नहीं है, मैं अभी ले लूँ खरीद लूँगा, मुझे सिर्फ आप लोग बता देना कि यार मैं मॉड्स डाल के खेलूँ या फिर ऐसे मतलब नॉर्मल सर्वाइवल जैसा खेलूँ, क्योंकि वो डायनासोर पे बेस्ड है तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि फिर वो सर्वाइव करना, मतलब तुमको पता है मुझे सर्वाइवल थोड़े बहुत कम पसंद है, बट फिर भी अगर आप लोग जैसा कहोगे तो मैं वैसे करने को तैयार हूँ, आप लोग बता देना एक बार कमेंट करके। तो चलते हैं अभी, मैं बार बार यहाँ पीसी पे क्यों आ रहा हूँ यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा। राशि राम तो भाई रोज का व्यूवर हो चुका है मेरा, तो एक काम करता हूँ मोल्ट्रेस या जेप्टोस पे उड़ के ना थोड़ा पहाड़ी इलाके पे जाके देखता हूँ, मिल गया तो ठीक है वरना फिर देखेंगे। ढूंढना पड़ता है यार इसके लिए बहुत, यहाँ पे नीचे उतर भाई नीचे उतर, तू आ जाए काम कर बाहर, आ गिलिच जैसा आवाज यार ये गिराटीना का कितना। अब मुझे सिर्फ ढूंढना है पेड़ों पे, पेड़ों ज्यादातर ये जंगल बायो में ही होगा, मतलब ऐसा घने घने जंगल में ही होगा, मतलब ऐसे तुम्हें पेड़ों पे ना कहीं से लटका हुआ दिख जाएगा, मैं आप लोग को अगर देखा तो मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। तो चलते ढूंढते हैं, अब इसको ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है बट ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, नहीं, थोड़ा सा लगेगा ज़्यादा नहीं बस। ये पहले मैं पॉकीबॉल के अंदर ये रख देता हूँ, ये दोनों एक्सपी कैंडी, क्योंकि यार ये दोनों ज़्यादा ले रहे, और मैंने ज़्यादा ये अल्ट्रा बॉल मैंने थोड़े ज़्यादा बना लिए, क्योंकि यार मुझे अल्ट्रा बॉल चाहिए, अगर मतलब तो जैसे मैंने कहा अगर उससे फाइट हो गई तो मेरी, इसलिए चलते। अरे भाई खाना खाओ यार। ओके देखो मैं मुझे एक और दिख चुका है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ, जैसे ये 89 है ना, इसके सेल्स जो है 89 है। अब मैं अगर इसको यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा ना, तो ये देखो स्ट्रेंज क्रीचर वॉज स्टक इन टू द जायगार्ड क्यूब। अब ये जो है यहाँ पे देखो ये अब 90 हो चुका है, ऐसे मुझे 10 और ढूंढना है, और इसके जो क्यूब है यानी इसका जो कोर्स है उसको मुझे एक और ढूंढना है, बाकी मतलब 10 सेल्स और एक कोर्स ये ढूंढना है, तब जाके मैं जायगार्ड को जो जो है स्पॉन कर सकता हूँ। अब स्पॉन होता है क्या होता है मुझे कुछ आइडिया नहीं, मैंने यूट्यूब पे देखा था। अब जल्दी जल्दी फटाफट मैं जो है इसका जो, ओके फटाफट मैं काम करता हूँ, मैं जल्दी जल्दी आप लोग को दिखा देता हूँ कि कहाँ क्या मिलता है। ओके
ओके गाइस, लास्ट वाला भी मुझे मिल चुका है और वो इस पेड़ के यहाँ पे। और भाई यार, इस बंदे ने मुझे इतना भगाया, मतलब मेहनत करवाया ना भाई, कसम में। मैं अभी खाना भी खा के आ चुका हूँ, मेरा भाई भी ढूंढ रहा था, उसको भी कहीं नहीं मिल रहा था जल्दी, बट उसने दो तीन ढूंढा था बस, बाकी सब मैंने ढूंढ लिया। और यहाँ पे लास्ट वाला जो है मुझे मिल चुका है, और यहाँ पे ये 99 है और 100 ये लास्ट वाला है। ओके भाई, आ गया ये भी। और यहाँ पे मैंने देखा भी एंटे स्पॉन हुआ है। एंटे कहाँ है भाई? एंटे भैया कहाँ हो तुम? ये पीछे ही तो है यार, यहाँ पे ये रहा। इतना छोटा है यार ये, पता नहीं पकड़ क्यों रहा हूँ, मुझे कुछ पता भी नहीं है, मैं ऐसी मस्ती में पकड़ रहा हूँ। आ जा भाई, नहीं आना तो बोल दे। हाँ भाई, देवी क्या चीज़ है यार, मुझे बहुत जगह पे ये दिखा यार, किसी को पता होगा तो बताओ यार मुझे, ये क्या है? क्या है? टूटता भी नहीं है यार ये। हाँ नहीं टूट रहा है, अच्छा नहीं टूटता, हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, नहीं टूटता भाई। ये क्या चीज़ है, अगर किसी को कुछ पता हो तो बताओ यार, मुझे पता नहीं है। छोड़ो, चलते अपने बेस पे वापस से, तब मैं बेस पे आके आपसे मिलता हूँ। मैं तेरे पे खाली पीली, मैंने अपना पॉकेबॉल की वेस्ट किया रे पागल। ओके, अपना घर आ चुका है। और नीचे, अरे भाई नीचे उतर, नीचे उतर। ओके नीचे उतर गया। और ठीक है, मैं आप लोगों से ना, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है, मतलब ये सर्वर के टॉपिक है यहाँ पे ना, मतलब मैंने एक थोड़ी मिस्टेक कर दी थी, मैंने जो आप लोगों को जो सर्वर आईपी दी थी, वो सर्वर आईपी वो मत डालो, मैंने वो दूसरा एडिट करके दूसरा सर्वर आईपी डाल दिया है, वो एक बार ट्राई करना। और क्या किया मैंने वो भी बता देता हूँ। आप लोगों को पता होगा मेरी एक सीरीज़ थी, सर्वाइवल सीरीज़ वंडरलैंड की, मैं आजकल उसकी वीडियोज़ नहीं डाल रहा हूँ, बट अगर तुम कहो तो मैं डाल दूंगा। तो मैंने क्या किया, वो 1.20.1 था, तो उसका जो वर्ल्ड था ना, मैंने एक बार वहाँ पर डालने की सोची कि एक बार डाल के देखता हूँ कि क्या होता है। तो मैंने वहाँ पर वर्ल्ड अपलोड किया, हो गया, बट फिर जब मैंने कनेक्ट करने की कोशिश किया तो यार जो पूरा सर्वर था वो पूरा क्रैश हो गया, मतलब चल रहा नहीं था। तो मैंने फिर जो है पूरा एक न्यू सर्वर मैंने बनाया, वो सर्वर पूरा डिलीट किया, मैंने वर्ल्ड भी डिलीट किया वो वाला वंडरलैंड। अगर आप लोग, तुम बोलते होगे कि यार भाई सर्वर क्यों डिलीट किया, तुझे सिर्फ वर्ल्ड डिलीट कर देना चाहिए था, हो जाता था, बट फिर भी मैंने मतलब मैंने किया था बट फिर भी नहीं हो रहा था। तो मैंने इसलिए सोचा कि अगर आप लोग को दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने मतलब आप लोग को फ्यूचर में दिक्कत ना हो किसी बात का, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट जो है पूरा नया सर्वर ही बना दिया। उसका आईपी जो है वहीं पे मिल जाएगा तुम लोगों को, वहीं पे मैंने एडिट करके डाल दिया है। और दूसरी बात यह है कि अगर बहुत लोग जो मेरे मतलब दोस्त भाई लोग हैं, मतलब जो आप ही लोग, जो उनमें आप लोग में से बहुत लोग के पास लैपटॉप और पीसी है नहीं, तो लोग मोबाइल पर खेलना चाहते हो बट मोबाइल पे वो आप लोग खेल नहीं पा रहे हो, और मैं भी आप लोग को बता रहा हूँ बट मैं भी बता नहीं पा रहा हूँ ठीक से, क्योंकि मैं मतलब बता रहा हूँ बट फिर भी किसी किसी का चालू नहीं हो रहा पिक्सल मोन को जाओ लॉन्चर में। तो यार एक काम करो, आप लोग ना यूट्यूब पे जाके एक बार देख लो कि हाउ टू सेटअप पिक्सल मोन इन पोजाओ लॉन्चर, ऐसे करके सर्च कर दो। या तो अगर मुझे, मैं एक बार देखता हूँ कोई वीडियो, अगर वो वीडियो मुझे अच्छी लगी, मुझे समझ में आई वो टॉपिक कि हाँ ऐसा ऐसा इतने ईजी है, तो मैं वो जो है उसका डिस्क्रिप्शन पे उसका जो है लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाके वो देख लेना और फिर सेटअप कर लेना। क्योंकि यूजी ने जो वीडियो डाला था वो मतलब ठीक था वीडियो, बट उसमें से बहुत लोग को ना समझ में नहीं आ रहा था कि यार मतलब यूजी ने हर एक स्टेप बाय स्टेप नहीं बताया था। मैंने यूजी को बोला था कि एक वीडियो मुझे अलग से सेपरेट से बना के दे देना, बट बंदे ने बनाया नहीं क्योंकि उसका एग्ज़ाम चालू है, तो इसलिए वो थोड़ा फ्री नहीं था। तो अगर हो सके तो आप लोग देख लेना यूट्यूब पे सर्च करके कि हाउ टू सेटअप पिक्सल मोन, और फिर आके सर्वर में आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, अपन सब साथ में खेल लेंगे वहाँ पे। मैं हर कभी कभी, कभी कभी नहीं, हर टाइम में वहाँ पे ज़्यादातर वहाँ पे आते जाते रहूँगा मैं। ये सर्वर पे थोड़ा कम कर दूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने ज़्यादा ज़्यादा हर एक मतलब हर एक लेजेंडरी तो नहीं पकड़ा, बट मैंने फिर भी इतना पकड़ लिया कि यार मैं किसी एक को हरा सक किसी को भी हरा सकता हूँ मैं भी। बट फिर भी यहाँ पे ये सीरीज जो है कंटिन्यू रहेगा, बट फिर भी मैं वहाँ पे भी कभी कभी उसके भी वीडियोस डाल दिया करूँगा, मतलब वो जो वर्ल्ड है उसका नाम अगर होगा तो वंडरलैंड ही रख देंगे वो वाले पिक्सल मॉन का भी। तो जैसे आप लोग की मर्जी, आप लोग कमेंट नाम सजेस्ट कर लेना कमेंट पे। तो वही इतना ही था बस। और अब चलते अपने जायगढ़ को स्पॉन करने, जायगढ़ भैया को, लेकिन उसके लिए मुझे पहले इसका वो बनाना पड़ेगा ना। यहाँ पे ये है, एक मून स्टोन चाहिए, दो ग्लास पेन चाहिए, दो एमरल चाहिए। ओके जल्दी जल्दी मैं कर लेता हूँ ये भी। आ जाओ भैया सब, आ जाओ। ओके भाई, मून स्टोन में बस एक ही पड़ा हुआ है यार। ओके पीसी भी है मेरे पास, और क्या चाहिए था, दो ग्लास पेन ना, ग्लास पेन तो ये रहा यहाँ पे ही, दो है मतलब दो ज़्यादा है। और एमरल तो मैंने शायद ले लिया था, एमरल नहीं लिया था यार मैंने, इसमें था एमरल नहीं, अरे इन्वेंट्री में ही तो है यार मेरे एमरल। अब यहाँ पे मैं एक का, इसका नाम क्या था, मैं बार बार इसका नाम भूल जाता हूँ, रीअसेंबली, RES। ओके समझ गया मैं। अब यहाँ पे मुझे ये दो लगाना है, तो दो नहीं, ये ऊपर यहाँ पे एक पीसी, यहाँ पे एक ये, दो एमरल, एमरल शायद नीचे लगेगा। ओके और दो ग्लास पेन। ओके बन गया अपना रीअसेंबली जो है वो बन चुका है, और यहाँ से अब जायगार्ड अपना स्पॉन होगा।
बट यार स्पॉन कैसा होता है वो मुझे कुछ मतलब इतना पता नहीं है, होता है क्या होता है मुझे कुछ आइडिया है नहीं, तो जल्दी से चलते हैं एक बार इसको स्पॉन करके देखते हैं। स्पॉन होगा तो यार एक सेकंड पहले सो जाता है, और मैं सुबह कर लेता हूँ, सुबह अच्छे से करूँगा मैं। ओके सुबह हो चुकी है और पता नहीं यार ये सर्वर क्रैश ही हो गया यार। ओ भाई क्या ही तो रेनबो निकला भाई यहाँ पे। अब मुझे ये जो है यहाँ पे प्लेस करना है, जहाँ तक मुझे पता है वो जायगार्ड जैसा इसका वो भी है यार। ये जायगार्ड क्यूब जो है यहाँ पे मुझे प्ले डालना है इसके अंदर। हाँ अब यहाँ पे ये असेंबल, व्हाट डू यू लाइक टू डू, असेंबल करना है, असेंबल विद जायगार्ड। यहाँ पे मैं अपने कुछ पोकेमोन्स को भी उसके साथ वो करवा सकता हूँ। मैं एक काम करता हूँ ना, किसी एक पोकेमोन को लेके आके देखता हूँ ये क्या होता क्या है, उससे क्या होता है मुझे कुछ आइडिया नहीं है, एक बार देखता हूँ मैं। ओके अब करके देखता हूँ मैं, असेंबल विद जायगार्ड कैकनिया। ओके हो गया, क्या हुआ? नहीं हुआ, दैट इज़ नॉट अ जायगार्ड। ओ अच्छा 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 सॉरी 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 समझ गया मैं। मुझे किसी पोकेमोन के साथ नहीं करना है, मतलब अगर मेरे पास जायगार्ड हो। और हाँ मैं आप लोग को एक बता देता हूँ, द जायगार्ड सेल विल बी यूज टू कंसर्ट जायगार्ड 50% विद पावर कंसर्ट। मैं आप लोग को हाँ एक और चीज़ बता देता हूँ, मतलब ये ना 10% चांस रहेगा कि वो कुत्ता वाला जायगार्ड स्पॉन होगा, और 50% चांस होगा वो सांप वाला जो है जैसे जायगार्ड होता है वो स्पॉन होगा, और 100 मतलब बहुत कम चांस होगा कि वो जो बड़ा वाला जो वो है जो बड़ा वाला मेन जायगार्ड है उसके कुछ 1 या 2% ही चांस होते हैं। अब मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं है। यहाँ पे देखो शायद 50% शायद मुझे कौन सा मिलेगा, तो पार्टी इज फुल जायगार्ड वर्स। ओ जायगार्ड स्पॉन, अच्छा। अरे भाई फिर मैंने इतनी प्रिपरेशन क्यों की यार, मतलब मैंने अल्ट्रा बॉल वगैरह क्यों बना दिया, डायरेक्ट ही तो डायरेक्ट स्पेंड हो गया भाई पीसी पे। अजीब है यार भाई, कम से कम हाथ हो जाता है यार, लड़ तो लेता मैं तो ऐसे। कैल्डियो भी स्पॉन हो गया यार, इसका तो रोज का है। कहाँ गया? ओ ये, अरे यार मतलब हाँ ठीक है बट सही है यार, मुझे यार बड़ा वाला चाहिए था यार। इसको मैं बड़ा वाला भी बना सकता हूँ अगर ये होगा, एक सेकेंड। हाँ अगर ये मैं वापस से फुल करूँगा ना, ये देखो यहाँ पे ये पूरा वापस से जीरो हो चुका है, तो अगर मैं इसको वापस से करूँगा ना तो मैं जो ये जायगार्ड, इसको मैं मेन वाला जायगार्ड भी बना सकता हूँ। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ये वाला सांप वाला तो नहीं चाहिए था यार मुझे, ये देख रहे हो ऐसा सांप कैसा फन फ्लाई बैठा रहता है, और ये उसके पांच सर वो देखने में। ये वाला मुझे ज़्यादातर यार वो बड़ा वाला कूल लगता है यार, ये बचका ना मुझे कूल ज़्यादा नहीं लगता यार। तो क्या बोलते हैं, फिर से जाऊँ मैं इसको कलेक्ट करने या फिर से जाना पड़ेगा यार? और क्या ही कर सकता हूँ मैं इसको, ये थोड़ी मैं कर सकता हूँ इससे, मतलब समझ रहे हो ना, मुझे ये नहीं चाहिए यार, मुझे मेन जायगा चाहिए। तो यार फिर से अब उतनी मेहनत फिर से करो, इसको यहीं पे लगे रहने देता हूँ। तो चलो फिर से किसको बुलाऊँ मैं, जैपटोस को। अब मैं दूसरी जगह पे जाऊँगा। हाँ थोड़ा बोरिंग हो रहा होगा ये पार्ट, बट मैं इसको पार्ट पार्ट को पूरा स्किप कर दूंगा, और मैं खुद नहीं करने वाला, मेरा भाई करेगा, मैं नहीं करने वाला कुछ। ओके गाइज अपने घर पे मैं पहुँचने वाला हूँ, और यार इतना ज़्यादा टाइम भाई साहब, यार इतना टाइम, इतना टाइम कंज्यूमिंग काम है। अरे भाई ये चीज़ यार, इतने मुश्किल मुश्किल टास्क क्यों देते हो यार, थोड़ा आसान दे दिया करो यार। भाई यार कितना मेहनत करूँ भाई, कितना ही तो करूँ यार इसके लिए। लो भैया अब यार हमें प्लीज़ वो दे दो यार, बड़ा वाला जायगार्ड दे दो। जायगार्ड इज़ ऑलरेडी 100%, बट यार 50% फिर से दिखा रहा है यार, वही जायगार्ड स्पॉन होगा क्या ये वाला, 30 लेवल वाला है मुझे ऐसा लग रहा है यार। प्लीज़ यार बड़ा वाला हो जाए यार, ऐसा क्यों हो रहा है? टू डू असेंबल, असेंबल विद जायगार्ड और सेपरेशन। ये वाला है ना, दिस जायगार्ड इज ऑलरेडी 100%। कहाँ 100% है, वो 50% वाला है भाई। ये सब मिलके हमें क्या ही, अब समझ जाओगे कमी में। देखता है यार कौन सा वाला जायगार्ड स्पॉन हुआ यार, मेरे को बड़ा वाला जायगार्ड स्पॉन चाहिए यार, वो जो बड़ा सा है ना वो चाहिए यार, नहीं मिला तो यार फिर बहुत बुरा हो जाएगा, याद रखना भाई। यार वही वाला वापिस से दिया यार भाई, फिर इतना मेहनत क्यों करवाया भाई तुम लोग ने भाई। ये दोनों मर्ज हो सकते हैं क्या आपस में? ये इन लोग का भी कोई वो चाहिए होता है क्या, मतलब इन लोग का कुछ और बात है क्या जिससे हम इन लोग को वो कर सकते हैं यार? क्या यार ऐसा क्यों, कहाँ गया ये रहा भाई? यार ऐसा थोड़ी होता है यार, ये भाई लोग ने यार चूना लगाया यार, या तो फिर मुझे आइडिया नहीं है यार, तो फिर तुम लोग ही बताओ क्या होता है, मतलब ये जो जायगार्ड है ये खुद मतलब होता है, या इसको कुछ और बात है वो और यहाँ पे होल्ड कराने से ही होता है? अब तुम लोग बता दो मुझे, मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं है जायगार्ड के बारे में। मुझे लगा यार फाइट होगी यार इससे भाई, ये बंदा
मैं इतने सारे पोकेबॉल लेके घूमता हूँ यार रोज। यहाँ पे देख रहा हूँ मैंने अल्ट्रा बॉल भी और बना लिया, मैं सोचा यार फाइट होगी इससे तो इसको पकड़ूंगा मैं। यार फाइट वाइट कुछ नहीं हुआ यार, फाइट के नाम पे घंटा कुछ हुआ यार, मेरा कट गया यार मेरा तो कटा नहीं यार। हाँ ठीक है, अच्छा पोकेमोन है। अब यहाँ पे अगर इससे इसे एक बार इसके मूव्स क्या क्या है एक बार देखता हूँ भाई। लेते उससे लड़ देख तू। ओके लड़ने लग गया। बाइट थंडर वेव थंडर आर एरोस। भाई यार एनिमे सीरीज में भाई इसको इतना पावरफुल बताया गया है यहाँ पे ये। यार ये देख है मतलब हाँ ठीक है, बट यार एनिमे सीरीज में इसको यार इतना डरावना इतना खतरनाक दिखाया गया है यहाँ पे, इसको इसमें पूरा हक दिया यार क्या ही बोलूँ। कोई ना ठीक है मिलते हैं। ओके गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी जरूर से बता देना। हाँ वीडियो थोड़ी शॉर्ट थी मुझे मालूम है, तुम लोग के लिए शॉर्ट है भाई, मेरे लिए दूसरा दिन है मेरा सच बता रहा हूँ, बट मैंने क्या ही बोलूँ यार छोड़ो। नीचे अच्छा मुझे लगा वो भाई वो नीला नीला उठ रहा था, मुझे लगा यार ये आर्टिकून है। ओके आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी जरूर से बता देना, और नेक्स्ट पोकेमोन कौन सा पकड़ू वो भी बता देना। नेक्स्ट पोकेमोन शायद लूगिया हो सकता है, क्योंकि यार लूगिया हाँ मैं आप लोगों को वो भी बताता हूँ। लूगिया में ना मेरे को थोड़ा बहुत चीट करना पड़ेगा, मतलब है ना मुझे नॉक्सा से जो है वापस से वो लेना पड़ेगा क्या बोलते हैं ऑपरेटर लेना पड़ेगा। फिर मुझे ना मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, मतलब आप लोग बोलोगे भाई तू क्रिएटिव में जाएगा वहाँ से स्पॉन करेगा, नहीं भाई वो सब वो चीटिंग करके मैं टेंशन मतलब वो सब चीटिंग मैं नहीं करता। पहली बात तो मुझे सिर्फ इतना करना है वहाँ पे जो टाइम सेट डे और फिर उसको मतलब टाइम सेट, जैसे अगर अपन न्यू प्लेयर आते हैं जैसे उनका डे 0 होता है, तो वैसे मुझे डे ये चाहिए, डे 200 चाहिए या फिर डे 300 चाहिए। भाई इन लोग को कुछ काम नहीं है क्या है, कहाँ है छोड़ो मुझे क्या। तो उसके लिए ना मुझे थोड़ा बहुत चीटिंग करना पड़ेगा, मतलब मुझे कमांड डाल के ना डे को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा ताकि उसका जो बैल है वो तुरंत वो होने लग जाए। मतलब मुझे मेरे पास एक ही बैल है और वो एक बैल में ना 1% चांस होता है, 1% में नहीं 0.01% चांस होता है कि वो लूगिया जो है स्पॉन हो जाए उसी दिन। तो उसके लिए ना मुझे फिर डेज बढ़ाने पड़ेंगे ताकि जो है ना उसका वो भी बढ़ जाए। और भाई मैं मर जाऊंगा भाई कसम से मैं मर जाऊंगा। पहली बात तो आर्टिगोनो के ऊपर से इतने ऊपर से गिरा भाई, ऊपर हेल्थ कम हो गई, पाँव भी खत्म हो गया, मेरा सब कुछ छः भी नहीं यार। तो वही मुझे थोड़ा उसके लिए चीट करना पड़ जाएगा, अगर आप तुम लोग चाहो तो मैं करूँ, वरना फिर कुछ दिन तुम लोग भी इंतज़ार करो जब ऐसी वीडियो आ जाएगी तो देख लेना, वरना फिर अगर तुम्हें जल्दी वीडियो चाहिए लूगिया की तो फिर मुझे थोड़ा बहुत चीट करने दो। मतलब मैं टेंशन मत लो, मैं क्रिएटिव वगैरह में मैं पहली बार तो जाता भी नहीं हूँ, मुझे सिर्फ इस पे जाना है, मतलब जो तुम्हें बस समझ गया होगे ना यार, बहुत लोग तो समझ गए होंगे कि मुझे सिर्फ डेज जो है उसको बढ़ा देने ताकि उसका जो बेल है वो बजने लग जाए, बस उतना ही मुझे करना है। तो आप लोग बता देना कि मैं चीट करूँ या ना करूँ, फिर उसी हिसाब से आप लोग बताना। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय। हाँ वीडियो थोड़ी शॉर्ट थी माफ़ करना।